हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस ब्लॉगर से, और आज मैं आपको बताऊंगा वीवो वाई 17 के बारे में। या मैं बोलूं कि मैं आपको बताऊंगा कि ये फ़ोन आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। यूजुअली मैं ऐसा नहीं करता हूं, बट इसका रीज़न है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शुरुआत करेंगे हम लोग इस फ़ोन के डिज़ाइन से। तो आप देख सकते हैं कि नो डाउट फ़ोन दिखने में काफ़ी अच्छा है। जैसे ही आप इसको पहली बार देखोगे, आप पूछोगे हाथ ले गया कि कौन सा ये फ़ोन है। ये इसका एक बहुत अच्छा सेलिंग पॉइंट हो सकता है। आप आगे से इसको देखेंगे तो आपको इसमें फ्रंट में मिलेगा 6.35 इंच का HD+ डिस्प्ले। जी हाँ, HD+ डिस्प्ले। तो यहाँ पर ये नॉच भी मिल जाएगी। आप देख सकते हैं जो बेजल्स हैं वो भी थोड़ी बड़ी हैं। सेगमेंट के हिसाब से जो चिन है वो भी थोड़ी सी बड़ी है। इसके जो सेगमेंट में आपके पास दो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल हैं वो हैं सैमसंग गैलेक्सी M30 और शाओमी रेडमी नोट 7 प्रो। दोनों से फार 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 बेटर ऑप्शन है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आगे आपको वीडियो में बताता दूंगा। तो मैंने आपको इसका डिस्प्ले बता दिया। ऑफकोर्स डिस्प्ले से अभी तक कोई शिकायत नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ सा, एकदम वाइब्रेंट और शार्प है। कलर वलर जो है वो भी काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। एक बार इसकी जो ब्राइटनेस है वो मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि जैसे ये देखो, ये इसकी ना हाइएस्ट ब्राइटनेस है। तो आई एम डैम श्योर अबाउट दिस की सनलाइट लेजिबिलिटी जो है इसकी वो इतनी खास नहीं, मतलब हार्ड सनलाइट में ना आपको दिक्कत आनी आती है कुछ भी कर लो। आगे बढ़ते हैं और जो इसके अंदर के स्पेसिफिकेशंस या बोले इसका हार्डवेयर उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपको मिलती है 4 GB की रैम 128 GB स्टोरेज के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इसमें जो प्रोसेसर मिलता है वो है हेलियो का P35, जो कि लगभग 10,000 के जो फ़ोन होते हैं ना उनमें मिलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी जो प्राइस है वो कितनी है। इसकी प्राइस है 17,990 रुपये। यानी कि इस सेगमेंट में इसके पास बहुत बहुत सारे ना तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। पहले हम लोग शुरुआत करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M30 से। इसके अंदर भी 3 कैमराज हैं, उसके अंदर भी 3 कैमराज हैं, लेकिन उसके ना कैमराज बहुत अच्छे हैं, मैंने रिव्यू किए इसलिए। और ये इसके अंदर जो मतलब लेंसेज हैं वो मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से हैं। इसमें आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल और 2 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि वही डेप्थ सेंसिंग और वाइड एंगल वगैरह ये काम में आता है। लेकिन मतलब मुझे तो क्वालिटी के ऊपर बड़ा डाउट्स है यार कि कैसी होगी। मैंने कुछ फोटोज से ऑलरेडी क्लिक करके रखे हैं, मैं आपको एक बार वो भी दिखा देता हूँ। ये तो था इसका फ्रंट का कैमरा जो, तो ये मैंने इसके एक फ़ोटो क्लिक किया था। तो देख सकते हो आप कि जहाँ पर ये फोकस पॉइंट ये था, थोड़ा चलो फोकस तो तब भी अच्छा और थोड़ा लाइट वगैरह कम थी, उसके हिसाब से इसने ओवरऑल फोटो अच्छा लिया है। बट मैंने जैसा आपको बताया कि मैंने सैमसंग गैलेक्सी M30 और रेडमी नोट 7 प्रो दोनों के कैमराज को देखा है, वो इससे फार फार बेटर है। तो ये रीज़न है कि यार मैं बोल रहा था ना कि मतलब इस फ़ोन को क्यों नहीं लेना चाहिए। तो ये एक बड़ा रीज़न है कि इसके अंदर इन्होंने ना मतलब काफ़ी मिक्सा ये जो फ़ोन है ना बना दिया। मतलब इसके आगे जो स्पेसिफिकेशंस है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इसमें कैमरा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 3 कैमरा हैं। आगे इसमें आपको इस नॉच के अंदर है ना जो कैमरा मिलेगा फ्रंट वाला, वो है 20 मेगापिक्सल का, जिसकी क्वालिटी भी मतलब मैंने इस सिनेरियो में टेस्ट करी थी। तो ऑफकोर्स फोटो को इग्नोर करना इतना खास नहीं, बट नो डाउट उसकी डिटेल्स अच्छी हैं। आप देख सकते हो इसने बैकग्राउंड फोरग्राउंड काफ़ी अच्छे से डिटेक्ट करके किया है। बट यू नो इतना इम्प्रेस नहीं हुआ जितना कि उन दोनों के कैमरा क्वालिटी से मैं था। तो मतलब मुझसे अगर पूछोगे तो सैमसंग गैलेक्सी M30 और रेडमी नोट 7 प्रो इससे फार फार बेटर ऑप्शन है। एक बार इसका डिज़ाइन जो है उसके ऊपर वापस से बात कर लेते हैं। मैंने क्योंकि बोला था कि ये काफ़ी अच्छा है। तो इधर पे इसके वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन है, इधर पे इसकी सिम ट्रे मिल जाएगी, 2 SIM और आपको मेमोरी कार्ड लगाने के लिए अलग से मिलेगा। नीचे वाली साइड पे आप आओगे तो माइक्रो USB स्पीकर पे जो 3.5 mm जैक है। ऊपर वाली साइड पे यहाँ पर सेकेंडरी माइक्रोफोन है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। स्पीकर के लिए यहाँ पर ईयरपीस यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा। नॉच के अंदर कैमरा है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अंदर सॉफ्टवेयर वाइज क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ कि वीवो का जो फन टच OS है उसके साथ ही आ रहा होगा, और इसके अंदर आपको मिल रहा है Android 9। तो ये तो ठीक है, मैंने आपको इसकी रैम बता दी, प्रोसेसर बता दी। इसकी जो एक और अच्छी USP यानी कि इसका सेकेंड बेस्ट सेलिंग पॉइंट जो होगा डिज़ाइन के बाद, वो है इसकी बैटरी। इसके अंदर मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जो कि यू नो मतलब आई मीन वीवो के मैंने यार वीवो 15 प्रो दूसरे काफ़ी सारे फ़ोन में रिव्यू करे हैं, और इसका वीवो का जो बैटरी बैकअप होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है। तो नो डाउट उसमें आपको ये बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं देगा। और इसी का एक रीज़न है कि ये फ़ोन ना थोड़ा थोड़ा भी मतलब मुझे तो हाई लग रहा है, और इसका जो इनहैंड फील है वो भी इतना कुछ खास नहीं। तो ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे बात करोगे ना तो ठीक है, मतलब आई मीन फ़ोन ऑफलाइन के हिसाब से अच्छा है, बट प्राइस के हिसाब से मैं थोड़ा सा कमेंट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि
मैं ऐसा कुछ बोलने में कतरा नहीं रहा हूँ, बट मुझसे पूछोगे तो यार दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन इन दिस सेगमेंट, बिकॉज अगर थोड़ा सा और पैसे लगाओगे तो यार पोको F1 आ जाएगा, पुराना फ़ोन है बट इससे फार फार बेटर है इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, किसी में भी ले लो, मतलब सभी को पता है पोको F1 तो एकदम फ्लैगशिप किलर था, भी किलर है वो, तो वो वाली बात है। तो ये मतलब कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगे कि यार इस फ़ोन का अनबॉक्सिंग या फर्स्ट इंप्रेशन करने से अच्छा है कि मैं आपको सीधे इसके बारे में ये बताऊँ। इसकी प्राइस मैंने आपको बता दिया कि 17,990 है, जिसमें इसके पास तगड़े कॉम्पिटिटर्स हैं Redmi Note 7 Pro, Samsung Galaxy M30 और आई थिंक A50 का जो एक आई थिंक 4 GB वाला वेरिएंट है वो भी तभी आ जाएगा, और A50 का भी डिज़ाइन से ना फार फार बेटर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ प्राइस। तो ये है मेरा सोचना इसके बारे में। आपको क्या लगता है कि जो मैंने बोला है कि ये फ़ोन लेने लायक है या नहीं, इसके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताइए। फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।